थर्ड ईयर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के हैं, उनके चैप्टर में एक पास्कल ट्रायंगल आता है, तो उस पास्कल ट्रायंगल को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और उसे मैं आज समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए पास्कल ट्रायंगल किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ सर्वप्रथम लिखेंगे एक और उसके नीचे दाएं और बाएं लिख देंगे एक और एक, दाएं और बाएं क्या लिख देंगे एक और एक, तो ये एक त्रिभुज की तरह हो गया। पास्कल ट्रायंगल है वो चलता ही रहता है आगे, कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस प्रकार से हमें पहले 3 1 1 1 और लिखने हैं, उसके बाद क्या करना है इन दोनों एक को जोड़ना है और उसका जोड़ यहाँ लिखना है 2। अब 2 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक एक फिर लगाना है, तो ये एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। तीसरी लाइन कंप्लीट। अब 2 और 1 को जोड़ दिया वापस 3 आ गया, और यहाँ पे भी 2 और 1 को जोड़ दिया 3 आ गया। फिर उसके लेफ्ट और राइट में एक एक और लगा देंगे, उसके बाद में 3 और 1 को जोड़ा 4, 3 और 3 को जोड़ा 6, 3 और 1 को जोड़ा 4, फिर उसके लेफ्ट और राइट में एक एक और लगा दिया। तो इस प्रकार से पास्कल ट्रायंगल बढ़ता हो जाएगा, पास्कल ट्रायंगल बढ़ता हो जाएगा। अब देखिए 4 और 1 को जोड़ा 5, लिखना इन दोनों के बीच में ही है ताकि आप लोगों को पता चल सके। 6 और 4 को जोड़ा या 10, 6 और 4 को जोड़ा 10, 4 और 1 5, और उसके लेफ्ट और राइट में लगा दिया एक और एक। फिर आगे और बढ़ता जाएगा ट्रायंगल, 5 और 1 को जोड़ा 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, और 10 और 5 15, 5 और 1 6, फिर लेफ्ट और राइट में एक एक और लगा दिया। हमारा पेज की चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आगे और पास्कल ट्रायंगल बन सके, वरना आप सिंपल पेज पे बनाना तो बनाते ही जाना। तो यहाँ तक आप समझ गए कि पास्कल ट्रायंगल में ये नंबर्स कैसे लिखते हैं। पहले सर्वप्रथम एक एक और एक, तीनों एक को एक साथ लिखना है, उसके बाद में इन दोनों का जोड़ है वो इसमें लिखना है 2 को, फिर इन दोनों का जोड़ यहाँ लिखना है और इन दोनों का जोड़ यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का जोड़ यहाँ लिखना है, इन दोनों का जोड़ यहाँ लिखना है और इन दोनों का जोड़ यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का जोड़ अपने यहाँ लिखा था, इन दोनों का जोड़ यहाँ लिखा था, 6 और 4 का जोड़ यहाँ लिखा था, फिर 4 और 1 का जोड़ 5 यहाँ लिखा था, इस प्रकार से लिखा था। ये जो ग्रीन टिक किए हुए हैं वो आपको समझाने के लिए कि इसको जोड़ा है अपन ने, वो बनाने का नहीं होता। लिखना क्या है आप लोगों को, सिर्फ ये अंक ही लिखने हैं, जोड़ दिया। अब देखिए क्या होता है कि जो ये एक और एक बना है ये किसका फॉर्मूला बना है पास्कल ट्रायंगल में, ए प्लस बी का फॉर्मूला बना है, और एक दो और एक किसका बना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है, और एक तीन तीन एक किसका फॉर्मूला बना है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बना है, एक चार छ चार एक किसका फॉर्मूला बना है ए प्लस बी की घात 4 का फॉर्मूला बना है, एक पाँच दस 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 पाँच एक ए प्लस बी की घात 5 का फॉर्मूला बना है, और लास्ट वाली लाइन बनी है ए प्लस बी की घात 6 का फॉर्मूला, तो इसकी बने फॉर्मूला। अब देखिए अगर फॉर्मूले में ए प्लस बी फॉर्मूले में अगर साइन आ जाए ए माइनस बी फॉर्मूला माइनस आ जाए तो क्या करना होगा, साइन आ जाए तो क्या करना होगा। प्लस वाले में सभी चिन्ह पॉजिटिव रहते हैं और माइनस वाले में सभी चिन्ह क्या रहते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, अल्टरनेट साइन चेंज होते हैं इसमें, अल्टरनेट साइन होंगे माइनस के फॉर्मूले। अब देखिए कि अपने को लिखना कैसे, फॉर एग्जांपल ले लिया अपन ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लिया, तो क्या करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं ए स्क्वायर बी 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा। यह आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, वरना मैं एक उदाहरण और लेता हूँ। जैसे आया हमारे पास e प्लस
डेल्टा प्लस आई का स्क्वायर आ गया, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? डेल्टा आई प्लस डेल्टा आई प्लस डेल्टा आई लिख दिया, तो ये एक दो और एक इसमें लिखे हुए हैं, ये इसके गुणांकों के चिन्ह हैं। अब डेल्टा की घात सर्वप्रथम होगी दो, उसके बाद हो जाएगी एक, उसके बाद होगी जीरो, और आई की घात होगी सर्वप्रथम जीरो, फिर एक और फिर दो, यानी एक को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो एक को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। पहले डेल्टा की स्क्वायर था, उसके बाद डेल्टा की पावर वन, उसके बाद डेल्टा की पावर जीरो, आई की पावर जीरो थी, आई की पावर वन, आई की पावर टू, तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आया? एक गुणा होगी डेल्टा स्क्वायर से, और आई जीरो, आई की पावर जीरो का मतलब होता है एक, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस टू डेल्टा इंटू आई प्लस आई स्क्वायर, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले बनेंगे। आगे और एग्जांपल भी ले सकते हो आप, जैसे मान लिया डेल्टा माइनस आई आ गया होल स्क्वायर लगाना है, तो कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था साइन अल्टरनेट चलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस में, तो सर्वप्रथम लिखना है डेल्टा इंटू आई डेल्टा इंटू आई डेल्टा इंटू आई, उसके बाद साइन लगाना है प्लस माइनस प्लस, फिर क्या करना है गुणांक लगाने हैं, एक दो एक, यहाँ पे गुणांक थे ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले में एक दो एक, तो यहाँ आ गया एक दो एक। अब डेल्टा की पावर लगाने, डेल्टा की पावर होगी दो बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि यहाँ पे बढ़ता अधिकतम घात इतनी दो है, तो यहाँ पे दो लेंगे डेल्टा की अधिकतम घात, बात खत्म बस। उसके बाद डेल्टा की घातें घटते घटती हुई जाएगी एक और जीरो, और आई की घात यहाँ से यहाँ पे करेंगे जीरो, तो बढ़ती हुई जाएगी एक और दो, तो इसका रिजल्ट आया हमारे पास डेल्टा स्क्वायर माइनस का टू डेल्टा इंटू आई प्लस का आई स्क्वायर, तो इस प्रकार से प्लस और माइनस में आप लोग कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पास्कल ट्रायंगल को सिखाया था लिखना, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, धन्यवाद।